नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे एसी और डीसी में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में कुछ अंतर है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ टेक्नीशियन और आम आदमी को ये सवाल उठता है कि एसी और डीसी में क्या फर्क होता है। तो आज हम इस वीडियो में एसी और डीसी में क्या अंतर होता है यह देखेंगे, और एसी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, डीसी का इस्तेमाल कहाँ होता है, एसी सप्लाई कैसे तैयार करते हैं और डीसी सप्लाई कैसे तैयार करते हैं, यह सब देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आवृत्ति, अंग्रेजी में जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिस दर पर तरंग स्वयं को दोहराता है उसे आवृत्ति कहा जाता है। या आप यह भी कह सकते हैं कि तरंग एक सेकंड में जितनी बार दोहराती है उसे आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज या करंट एक सेकंड में 50 बार अपनी कीमत और दिशा बदलते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी की वजह से इसकी कुछ विशेषताएं भी है जो आप अगले वीडियो में देखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट के कुछ वेवफॉर्म इस प्रकार होते हैं, साइन तरंग, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव या त्रिभुज लहर भी उसे कह सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा चलने वाला प्रकार साइन वेव का होता है। स्क्वायर वेव और त्रिभुज लहर में कुछ दिक्कतें हो सकती है, उसमें पावर लॉस भी हो सकता है, तो साइन वेवफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा होता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहां पे इस्तेमाल करते हैं। कार्यालय और अपने घरों में लंबी दूरी के प्रसारण के लिए अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट में ऊर्जा की हानि कम होती है, इसीलिए ट्रांसमिशन में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग करके अल्टरनेटिंग करंट को उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज और कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में परिवर्तित आसानी से किया जा सकता है। अल्टरनेटिंग पावर का उपयोग बड़े अनुप्रयोगों में जैसे कि फ्रीजर, एयर कंडीशन जैसे उपकरणों में किया जाता है। डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, पंखे, बल्ब या बहुत कुछ मोटरों में अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग किया जाता है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी आप कर सकते हैं, अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे एसी और डीसी से जुड़े बहुत कुछ जानकारी, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट खतरनाक होता है या डायरेक्ट करंट खतरनाक होता है, कौन सा कुशल होता है, कौन सा अच्छा होता है, यह सब बातें अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।